आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 46, 46 में क्या कहता है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टार क्रिकेट क्लब। कोई स्टार क्रिकेट क्लब है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कहता है आपका प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एट दैट डेट, और इस दिन का हमें बैलेंस शीट भी बना के दिखाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैंने तीनों अकाउंट पहले ही ड्रॉ कर लिया जो हमें बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में स्टार्टिंग से जो भी हमें मिलता जाएगा उसे पुट करते जाएंगे। सबसे पहले बैलेंस गिवन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का मतलब ही बैंक होता है। अगर मैं बोलूं कैश एट बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसका मतलब भी पासबुक ही है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग एसेट्स देता है ये कैश इन हैंड, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो कैश इन हैंड दिया तो मैं कैश यहां पुट कर देता हूं, और कैश हमारे क्वेश्चन में गिवन है 10,000, और बैंक यहां पुट कर देता हूं, जो बैंक गिवन है वो है 20,000, 20,000। आगे कहता है मेंबर सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन लमसम अमाउंट है, तो सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, तो हम बाय साइड में लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो हमें गिवन है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 50,000। बोर्ड पे ध्यान देना है आपको, बिल्कुल आपने जो कर रखा है उसे बाद में देखना। एडमिशन फी 3,000 नॉर्मल इनकम है, एडमिशन फी बाय साइड में एडमिशन फी, थ्री थाउजेंड एडमिशन फी के बाद है सेल ऑफ ओल्ड बैट 500 रुपए का। अब यहां पे समस्या ये है कि वो ओल्ड बैट था कितने का नहीं बताया, कॉस्ट नहीं बताया। तो हमारे पास दो रास्ते हैं अब, या तो मैं मान लूं कि जीरो का बिकता, उससे अच्छा कितने का तो बिक गया सारा इनकम, या दूसरा मैं ये मान लूं कि जितने का था उतने का बिक गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं प्रॉफिट या लॉस कंसीडर करूं, या फिर मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस कंसीडर ना करूं। तो मैं यहां पे इसको प्रॉफिट मान लेता हूं, सेल ऑफ, क्योंकि अमाउंट ना सबसे कंपैरेटिवली बहुत कम है, स्मॉल अमाउंट लग रहा है मुझे। तो आगे क्या पता इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आगे मैं अभी इनकम मान लेता हूं बाय सेल ऑफ ओल्ड बैट 500 रुपए का बेच दिया। इसके बाद आगे कहता है हायर ऑफ ग्राउंड। हायर का मतलब होता है किराया, स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब की मैं बात करूं तो उनके पास पूरा इक्विपमेंट होता है, लेकिन कोई टूर्नामेंट करवाने जाता है ना, तो जो वो पवेलियन जो ग्राउंड है उस ग्राउंड का वो किराया लेता है। तो हायर ऑफ ग्राउंड क्या है हमारे लिए, इनकम है, तो बाय साइड में हायर ऑफ ग्राउंड, यहां पे हायर ऑफ पवेलियन लिख देता, एग्जामिनर चाहता तो वो भी समझ में आ जाता हमें। इसके बाद हायर ऑफ ग्राउंड का सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट स्पेसिफिक है, लाइबिलिटी होगा, लेकिन हमारे पास दो दो लाइबिलिटी है, ओपनिंग में भी लाइबिलिटी क्लोजिंग में भी। तो जब कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी लाइबिलिटी एसेट्स के बारे में बोलेगा, हमेशा क्लोजिंग के बारे में मानना है। तो सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट मैं यहां लिख देता हूं, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, सब्सक्रिप्शन है डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है फॉर टूर्नामेंट। और ये याद रखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, और ये मिला है हमें 10,000 डोनेशन 75,000। कुछ भी अभी तक नहीं बताया, शायद आगे कुछ बता दे हमें, जो कि मैं आगे देख रहा हूं कुछ नहीं बता रहा, तो सिंपल डोनेशन है, मैं यही लिख देता हूं। वैसे हालांकि मुझे ये लाइबिलिटी लग रहा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन 50 है और डोनेशन कितने का है, 75,000 का, 75,000 का डोनेशन है। इसे आप कैपिटलाइज भी कर सकते हो, नोट दे सकते हो कि वी अज्यूम दैट डोनेशन विल बी कैपिटलाइज, क्योंकि अमाउंट यूज है, और इनकम भी मान सकते हो। तो मैं इनकम मान लूंगा तब भी मैं क्या लिखूंगा, नोट लिखूंगा,
कैपिटलाइज मतलब लाइबिलिटी करूंगा, कैपिटलाइज का मतलब लाइबिलिटी मानो, तो अगर लाइबिलिटी भी मानूंगा तब भी क्या करूंगा, नोट दूंगा, दोनों ही कंडीशन में दूंगा 75,000। इसके ऊपर मैं स्टार भी बना देता हूं, इसके लिए नोट लिखना है। इसके बाद आगे कहता है लीगेसी डोनेशन 25,000। अब यहां पे भी कंफ्यूजन है, मैंने बताया था लाइबिलिटी भी हो सकता है और लेकिन लीगेसी का अमाउंट मुझे स्मॉल लग रहा है तो मैं यही लिख लेता हूं और इसके लिए भी नोट दूंगा बाय लीगेसी। इन दोनों के लिए नोट और एक इसके लिए भी नोट देना चाहूंगा मैं, तीन नोट हो गए। ये नोट लिखना बहुत जरूरी है, कहीं एग्जामिनर ने इसको लाइबिलिटी माना हुआ है तो आपका आंसर वो गलत कर देगा, लेकिन नोट जैसे ही पढ़ लेगा आपके आंसर को ठीक कर देगा वो। अप कीप ऑफ फील्ड पेमेंट साइड में तो खर्चा है, टू अप कीप ऑफ फील्ड मैंने बताया था क्या होता है, ये है हमारा 2,000, 20,000। ठीक है, एक बार एडजस्टमेंट स्टॉक बैट बॉल पे भी है, मैंने वैसे भी स्टार लगाया हुआ है और स्टेशनरी पे भी है हमारा एडजस्टमेंट और सब्सक्रिप्शन पे तो होता ही है और बैट बॉल पे है, ठीक है, और किसी पे है नहीं सैलरी वगैरह पे हमारा। इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट फंड मिला था तो लेस कर देते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस, चेक करते हैं एक्सपेंस कितने का है, 7,000 का कम ही है, अगर 11 होता तो फिर कॉन्सेप्ट बदल जाता। इसके बाद रेट्स एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कोई एडजस्टमेंट है नहीं और इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो दे रखा है हमें 2,000 रुपए। इसके बाद अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखें और रेट्स ऑफ इंश्योरेंस के बाद क्या देता है हमें, टेलीफोन, टेलीफोन भी खर्चा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टेलीफोन भी खर्चा है और इसका एक्सपेंस कितने अमाउंट का दे रखा है, टेलीफोन का 500, इसका दे रखा है 500, इसके बाद 500 दे रखा है। इसके बाद आगे देखें तो टेलीफोन के बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी हमारा है 1,000 रुपए का, लेकिन यहां पे स्टेशनरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो मैं बस स्टेशनरी के ऊपर स्टार बना देता हूं। ठीक है, स्टेशनरी के ऊपर क्या करता हूं मैं, स्टार बना देता हूं। स्टेशनरी के बाद जर्नल चार्जेस, जर्नल चार्जेस है हमारा 500, नॉर्मल एक्सपेंस है, मैंने अमाउंट नहीं लिखा है स्टार बना दिया है। जर्नल चार्ज है हमारा 500। अब देखो मैं स्टेशनरी की बात करता हूं, क्यों मैंने स्टेशनरी पे स्टार बना दिया, क्योंकि स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस भी है तो यहां कंज्यूम लिखूंगा मैं सीधा, ये स्टेशनरी नहीं है तो उसके लिए मैं वर्किंग नोट करूंगा जब मैं एडजस्टमेंट पे आऊंगा। तो स्टेशनरी के बाद अब जनरल एक्सपेंस के बाद सेक्रेटरी ऑनोरोनियम, और ये अमाउंट है हमारा सेक्रेटरी 2,000। अगेन बैट एंड बॉल, अब मैं इसके ऊपर भी अभी कुछ नहीं लिखूंगा, मैं यहां सिर्फ लिख रहा हूं बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल। बॉल बस इसके ऊपर भी स्टार, इसके ऊपर काम करना है हमें अभी। अब आगे देखते हैं, आगे कहता है बैलेंस सीडी 1,00,000 रुपए और 56,500, तो कैश का बैलेंस, और कैश का बैलेंस जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है 1,00,000, कैश के बाद बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस है 56,500। चलिए एडजस्टमेंट अब देखते हैं, कहता है बैट्स एंड बॉल जो है ओपनिंग में है 15,000 रुपए का, यानी बैट्स एंड बॉल ओपनिंग में क्या फिक्स एसेट्स है, ये बैट्स एंड बॉल कितने का है। हां जी बिल्कुल, ये फिक्स एसेट्स है, मैं यहां लिखने जा रहा हूं बैट्स एंड बॉल, ध्यान से देखना 15,000, लेकिन आपको याद होगा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड भी कर दिया है, कितने का सोल्ड कर दिया है 500 रुपए का सारा आपने सोल्ड कर दिया है, लेकिन ये 500 रुपए का जो बेचा था कितने का अभी भी सस्पेंस है। ठीक है ना, तो अगर 500 का बेच दिया तो सबसे पहले अब मेरे पास थोड़ा समस्या आ गया,
बैट्स एंड बॉल पे और आगे कोई एडजस्टमेंट है क्या? सब्सक्रिप्शन देता है राइट ऑफ 50% बैट फॉर नॉट कंसीडर सेल, कहता है कि सेल्स को कंसीडर मत करो, बोल दिया क्वेश्चन ने क्लियरली। तो अब सेल को तो मैं यहां लिखूंगा ही नहीं, अगर ये लाइन नहीं कहता तो पहले मैं इसमें से माइनस करता सेल और फिर प्लस करता परचेज और फिर लगाता डेप्रिसिएशन, लेकिन क्वेश्चन में बोल देता है कि सेल मत मानिए कि कुछ हुआ है। तो ठीक है, अब मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। अब जो पेमेंट साइड में बैट एंड बॉल है ना आपका, पेमेंट साइड में ये परचेज है, ये क्या है आपका परचेज। परचेज कितने का किया है पेमेंट साइड में? 7,000, 7,000 टोटल मेरे पास 22,000 रुपए का बैट एंड बॉल हो गया। इसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि इसके 50% आप क्या कर दो, राइट ऑफ, तो लेस कर दें, लेस राइट ऑफ, जो राइट ऑफ करना है हमें 50%, यानी अब ये खर्चा है। अब बैट एंड बॉल नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे बैट एंड बॉल राइट ऑफ, या डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो आप। और ये 11,000 रुपये पुट कर दिया। अब देखो कोई पॉइंट, सबसे पहले बैट एंड बॉल एक सेल दे रखा था, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा भाई कितने का था कितने का बेचा। मेरा अजम्पशन के सारा प्रॉफिट में बेच दिया मैंने, प्रॉफिट में इनकम में दिखा दिया। उसके बाद बैट एंड बॉल पेमेंट में भी था तो वो परचेज था। अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता तो मैं खर्चा मान लेता, लेकिन जब स्टॉक है तो वो क्या है परचेज। तो पहले का 15,000 का था ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, और अब कितने का होगा वही कंटिन्यू आया 15,000 का, जिसमें से 7,000 का और खरीदा हो गया 22,000। और आगे क्वेश्चन में कहता है कि इस पे 50% को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, खत्म कर दो उसे, 50% हटा दो उसमें से। तो हटा दिया तो बिजनेस के लिए खर्चा ही है, तो मैंने यहाँ खर्चे में भी दिखा दिया 11,000, और यहाँ 11,000 माइनस करके फाइनल मेरा आ गया 11,000 रुपए। इसके बाद एक तो स्टेशनरी के ऊपर भी है, देखते हैं। कहता है स्टेशनरी स्टार्टिंग में 2,000 था, तो स्टेशनरी 2,000 था हमारे पास स्टार्टिंग में, मैं लिख लेता हूं स्टेशनरी 2,000 स्टार्टिंग में था हमारे पास। चलिए स्टेशनरी 2,000, कोई दिक्कत नहीं, तो स्टेशनरी में था, सॉरी स्टार्टिंग में 2,000 का था। और लास्ट में कहता है स्टेशनरी को हमें 25% राइट ऑफ करना है, इसका मतलब क्लोजिंग में भी स्टेशनरी होगा। यही 2,000 मेरे पास आ गया, 2,000 के बाद कुछ खरीदा है हमने, मैंने वहां पे अमाउंट नहीं लिखा कितने का खरीदा, 1,000, मेरे पास टोटल हो गया 3,000 का। क्वेश्चन में कहता है इसको राइट ऑफ कर दो, ठीक है भाई राइट ऑफ कर देते हैं। और राइट ऑफ 25%, तो 25% कितना होगा 700, तो ये आ जाएगा 2,200। अब इसको मैं राइट ऑफ दिखा दूं या मैं इसको कंज्यूम कर देता हूं, ठीक है 750, हालांकि मैं इसको भी कंज्यूम लिख सकता हूं, बैट एंड बॉल को भी मैं कंज्यूम कंसीडर कर सकता हूं। मैंने वैसे लिख दिया, राइट ऑफ भी लिख दो चाहे कंज्यूम लिख दो, बात बराबर है। इसके बाद ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है 5,000 रुपए का ड्यू, ड्यू का मतलब यहां आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो हमें पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ओपनिंग क्या करना चाहिए, माइनस या प्लस, माइनस। चलिए बैट बॉल स्टेशनरी सब्सक्रिप्शन हो गया। कहता है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 7,500, यानी लास्ट का सब्सक्रिप्शन 7,500 ड्यू है, तो प्लस करो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन। यहां पे स्टिल है नहीं तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, यहां पे लिख दो सिंपल सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने अमाउंट का आ गया 7,500, क्योंकि क्लोजिंग नहीं दिया ना इसमें कि पिछला कुछ था, इंक्लूड एक्सक्लूड जैसे हम देखते थे कितना स्टिल है माइनस करके, तो वो है नहीं यहाँ पे। बस क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब यहाँ पे नोट देना है मुझे कुछ पॉइंट्स के लिए, किस किस पॉइंट्स के लिए मुझे नोट देना है। सबसे पहले स्टार सेल ऑफ बैट्स एंड बॉल, नोट नंबर वन, वी एज्यूम दैट सेल ऑफ
बैट्स एंड बॉल, बी वी अज्यूम दैट सेल ऑफ बैट एंड बॉल दैट स्टॉक विच आर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। देखो अब बोलोगे सर आपने तो इतना सारा बड़ा बड़ा लिख दिया इसके अंदर, तो जो मेरे मन में विचार आ रहा था बस मैंने उसी को लिखा है। यहां पे मेरे माइंड में क्या आ रहा था कि बैट एंड बॉल इसको मैं पिछले साल जीरो मान चुका हूंगा, मतलब टूट गया बैट, ठीक है टूट गया, मैं बोलूंगा अब क्या होगा ये तो कबाड़ी में जाएगा, स्क्रैप मान चुका हूं। लेकिन एकदम से बिक गया वो 500 का, तो सारा का सारा प्रॉफिट ही हो गया। जिसको मैं जीरो मान लेता हूं उसको मैंने बेच दिया तो सारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैंने वही लिखा, वी अज्यूम दैट सेल ऑफ बैट एंड बॉल दैट स्टॉक विच आर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, हमने मान लिया कि इसको जो बेचा है वो पिछले सालों में क्या था, वो जीरो के बराबर था, तो इसलिए हमने इसको कहां दिखा दिया, इनकम में। दूसरा डोनेशन, वी अज्यूम दैट डोनेशन इज गिवन फॉर जर्नल पर्पस, जर्नल पर्पस, जर्नल पर्पस, हमने क्या मान लिया कि जो डोनेशन है वो स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, इसलिए तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। अगर स्पेसिफिक पर्पस होता तो मैं कहां दिखाता, लाइबिलिटी में दिखाता, जर्नल पर्पस है। लीगेसी, लीगेसी पे क्या नोट लिख सकते हैं हम, लीगेसी इज गिवन या लीगेसी इज नॉट स्पेशल पर्पस, एंड वी विल अज्यूम इट इज इनकम, और इसको हमने क्या मान लिया, इनकम मान लिया। तो देखो इसके ऊपर नोट दे दिया हमने, एक दो तीनों पे नोट दे दिया। अब इधर से मैंने स्टार हटा दिया, पहले स्टार लगाया था ताकि याद रहे, और वो स्टार का मैंने कंप्लीट कर दिया, हट गया। अब सिंपल क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे और ट्रांसफर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है आप बुक के आंसर से टैली करते हैं स्टूडेंट, और बुक के आंसर से टैली करके बड़ा परेशान होते हैं, वो बोलते हैं सर हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा। तो बुक वालों ने ये अजम्पशन क्या मान रखा होगा, चेंज कर दिया होगा अपना अजम्पशन, उसने क्या पता डोनेशन को क्या मान लिया हो, कैपिटलाइज मान लिया हो। तो एक बार बुक वाले का ये थॉट को कैलकुलेट करके चेक कर लो, ऐसे आ रहा है तो आप समझ जाओ कि इसने लाइबिलिटी माना है। हम गलत नहीं है, बुक वाले भी गलत नहीं है, ये तो अजम्पशन क्या लिया गया है उसका बस चक्कर है इसमें। किसका, हाँ कितने का, 25,000, चलो ये भूल गया था मैं, 50,000 माइनस 5,000 प्लस 7,500, 52,500। अब प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, मुझे तो प्रॉफिट ही दिख रहा है, 159 टोटल है ये, 159 सरप्लस, 2 सरप्लस माइनस में 20,000, माइनस 2,000, माइनस 500, माइनस 750, माइनस 500, माइनस 2,000, माइनस 11,000, एक 1,222 चेक करो, ये आ रहा है मेरा आंसर, तो बैलेंसिंग फिगर 1,222,50। अब इस 1,222,50 को हम कहां दिखाएं, यहां तो मुझे कैपिटल लिखना है और कैपिटल के नीचे प्लस करना है सरप्लस, करना है हमें 1,222,50 प्लस करके दिखाना है। बस समस्या ये है कि कैपिटल तो पता चले, और कैपिटल के लिए हम कौन सा बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग। अगर बैलेंस शीट दे देता तो मैं तो इसे देखता भी नहीं और ना ही मैं बनाता इसे, ये मेरी मजबूरी है बनाना, ये वर्किंग नोट है हमारा, 10,000, 20,000 और ये आ गया हमारा 52,000।
52,000। और आ गया कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 52,000। चलिए अब आ जाओ 52,000। कई बार एग्जामिनर ना कैपिटल फंड का भी आंसर दे देता है बुक में, आपको कैपिटल फंड का भी आंसर देता है, तो वहां से भी आप मैच कर सकते हो। और ये बच गया 3,000। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे क्वेरी पूछा था, सर मेरा ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैच नहीं हुआ है, लेकिन ना बैलेंस शीट मैच हो गया, तो समस्या अजम्पशन का होगा उसमें, और कोई समस्या नहीं है। टोटल कर लेते हैं 1,00,000, 1,00,000। बिल्कुल सही। चलिए आपका था क्वेश्चन नंबर 40। अब नोट कर लीजिए आप इसको आराम से, या आपने कर रखा है तो जो पार्ट करेक्शन करना है उस पार्ट को आप करेक्ट कर लो, ठीक है।